हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान फैमिली एंटरटेनमेंट। सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैं गया हूँ उठ। तो आज मैं कर रहा हूँ अपने दिन की शुरुआत, क्योंकि आज भी मुझे फ्लाई करना है। तो एक्चुअली जस्ट बिकॉज इमिग्रेशन के लिए मुझे एयरपोर्ट पे 4 घंटा पहले पहुँचना है। तो अभी 6:30 बज रहा है और मेरा 11 बजे का फ्लाइट है। तो फिर अभी मेरे पास आधा घंटा है, तो आधे घंटे में मैं रेडी हो जाता हूँ और फिर पहुँचता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, तो मैं बना लेता हूँ अपने लिए कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का सामान ये रखा है और एक कॉफ़ी मेरा कम था तो वो मेरा अभी गया है। तो प्लीज आप मुझे मेरी दे दीजिए कॉफी एंड शुगर। तो ये आ गए, थैंक यू। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी कॉफी बनाने की, देखते हैं कैसे बनती है, है ना? करने पड़ते हैं ये। ठीक है, तो ये तैयार हो रही है मेरी कॉफी। ओके, तो ये 2 मिनट में भी तैयार हो जाएगी, जब तक मैं और प्रिपरेशन कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा कॉफी का प्रिपरेशन। ठीक है, सो पानी अब मेरा गर्म हो गया है एंड मैंने ये सब तैयार कर लिया है। तो अभी मुझे लगता है कि रेडी कर लेना चाहिए अपनी कॉफी। ज्यादा नहीं पीऊंगा, थोड़ी ही पीऊंगा, तो थोड़ी ही बनाता हूँ, क्योंकि तो मैं ना चाय या कॉफी ये सब मैं थोड़ा कम ही पसंद करता हूँ। हाँ। तो अब मैं जा रहा अपनी कॉफी पीने, जो कि क्या है बन मेरा फर्स्ट टाइम। नहीं यार, बना चुका हूँ कॉफी, घर पे भी मैं बनाता था महविस के लिए, और अभी मैंने अपने लिए बना लिया है ना। तो अभी करता हूँ कॉफी। हाँ दोस्तों, एक्चुअली मैं थोड़ा हो गया लेट, मेरी जो चेकिंग टाइम है वो 4 घंटे पहले था, बट अभी बच रहे हैं 3 घंटे। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बाहर का मॉर्निंग का व्यू भी दिखा देता हूँ होटल का। दिस इज ए मॉर्निंग व्यू। मुझे ब्रेकफास्ट करना है वहाँ फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो मैं वहाँ ब्रेकफास्ट कर लूँगा। और ये अब मैं रहा हूँ निकल, मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तो अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। दोस्तों मुझे जाना है अभी सेकंड फ्लोर पे, तो ये रहा मेरा सेकंड फ्लोर, क्योंकि वहाँ हल्का सा नाश्ता करूँगा फिर मैं निकल जाऊँगा। और ये यहाँ से व्यू आप देख सकते हो, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा होटल है। ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी मैं बहुत कर चुका हूँ उस ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। आ गया मैं सेकंड फ्लोर, ब्रेकफास्ट ये लगा है ब्रेकफास्ट। अभी देखते हैं क्या लेता हूँ मैं। इडली सांभर पराठा देखो कैसे, तो समोसे सब कुछ है भाई। मैंने हलवा ले रखा है, देखते हैं अभी क्या लेते हैं। ये है जूस, अभी तरबूज मुझे पसंद है वही लूंगा मैं। ये मेरा स्टार्ट हो रहा है दिन ब्रेकफास्ट के साथ, अच्छा है। हलवा है, एक आमलेट है, और इडली चटनी एंड सांभर। बाकी जूस वूस देखते हैं, अभी कुछ ले सकते हैं तो लेंगे जरूर। दोस्तों मैं हो रहा हूँ लेट, तो इतना टाइम मेरे पास है नहीं, तो जल्दी से मैं ना एक जूस पी लेता हूँ। ठीक है, बस हल्का फुल्का ही नाश्ता, ठीक है, ज़्यादा सही भी नहीं रहेगा। एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो फटाफट निकल लेता हूँ यार। थोड़ा बहुत तो पेट भर गया, बाकी देखते हैं फ्लाइट में अगर खाना मिलता है। मिलेगा यार, मैंने चूज किया है खाना, और वो भी जो मेरा पसंदीदा है ना। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आता होगा,
एक छोटी सी जर्नी है मेरी तो मैंने स्टार्ट की, तो आपको भी मजा आता होगा देखते हुए ये पीछे। तो नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, तो अभी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर निकलता हूँ अपनी जर्नी से और मिलता हूँ यार। बहुत मजा आने वाला है जर्नी, प्लीज नॉर्मल बातों में ना जल्दी ले रहे हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर और चेक, ठीक है, लेट हो गया। देखो ये जो कार आ रही है अभी ये मुझे छोड़ के आएगी, लेट हो गया यार। तो अभी जो मेरा फ्लाइट है टर्मिनल 3 से, तो अभी हम लोग, मैं आ चुका हूँ इधर। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया हूँ तो जल्दी जल्दी मुझे जाना होगा अंदर, और ये शूटिंग मैं करता हूँ थोड़ा रुक के। ओके, दोस्तों एक्चुअली मैं हो गया था बहुत लेट, बट जैसे जैसे मैंने बोर्डिंग करा लिया है, इमिग्रेशन भी मेरा हो गया, और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फ्लाइट की तरफ, और जो कि है 11 बजे और 10:30 यहाँ बज चुके, तो आधा घंटा है यार। कहीं पर भी जाओ ना समय से जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है, मैं लेट हो गया और उसकी सजा मैं भर रहा हूँ। सो प्लीज़ टाइम के थोड़े पंचुअल बनो, और मैं भी कोशिश करता हूँ बनूंगा, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो गया। तो अभी भी पूछना पड़ रहा है यार कहीं ना कहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं अब फ्लाइट में। तो ये है मेरा, ये है मेरा बोर्डिंग पास एंड गेट नंबर 4B, तो मुझे जाना है 4B पे। बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। अरे यार मैंने ये तो बताया नहीं मैं जा खा रहा हूँ, तो ठीक है, बट मैं बताऊंगा नहीं, ये आप वीडियो में देख लेना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ के दिल्ली बाजार, वाह, ये है 1837 TWGT, ये हर तरीके की टी आपको यहाँ मिलेगी, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो जब मैं रिटर्न में आऊँगा तो जरूर देखूँगा। अभी तो मैं आपको बस दिखाता जाता हूँ जो भी रास्ते में आ रहा है, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। ओके, भाग भाग के जाना पड़ा। मैं ना अभी फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, अभी देखते हैं कितनी टाइम है। फाइनली मैं थोड़ा 10 मिनट पहले ही आ पाया, बट आना था हमें 1 घंटा पहले, बट यार बहुत दौड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फिर यहाँ से जहाँ मैं जा रहा हूँ थोड़ा एयरपोर्ट में, तो आप खुद ही देख लेना कि मैं कहाँ आया। सो मिलते हैं फिर। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, मिथुन, दिस इज अ मिथुन मंडल फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता से समथिंग। तो अभी हम दोनों ने लगभग 2 घंटे साथ में रहना, क्योंकि 2 घंटे की फ्लाइट है हमारा, तो इनको बंगाली आती है, मुझे आती नहीं है, तो मुझे हिंदी आती है, राइट को भी आती है हिंदी, इनको इतना नहीं आता, बोलना हिंदी नहीं नहीं हम जितना आते हैं उसमें चला देते हैं तो इनको हिंदी ज्यादा नहीं आती है, और मुझे रसगुल्ला, रसगुल्ला वो जब बताया जाए जब हम वहाँ पहुँच जाए। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और भी अच्छी अच्छी जगह पे हम लोग जाएंगे और आपको दिखाएंगे। Thank you.
हाँ, ये मेरा स्नैक है, छोटा सा नाश्ता, तो एक जूस भी है। तो अभी मैं इसको फ्रेश करता हूँ। थोड़ी भी भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने ना जल्दी जल्दी में सुबह ब्रेकफास्ट किया था। तो अभी इसको फिनिश कर लेता हूँ, फिर करता हूँ लंच। नींद भी आ रही है यार, सोना भी है, बट ज्यादा लंबी फ्लाइट नहीं है, 2 घंटे की है, 2 या 2.5 घंटे की है। अभी दिखाते हैं आपको लोकेशन जहाँ मैं आया हूँ, करके आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, जिस जगह मैं आया हूँ उस जगह का नाम है नेपाल। तो जो मेरा ट्रिप है काठमांडू का है, तो मैं ना काठमांडू आया हूँ, ठीक है। नेपाल द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध, ठीक है। तो मैं अभी इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ यहीं, और मैं इस ब्लॉग को फिनिश करता हूँ यहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अब मैं दिखाता हूँ आपको नेपाल और नेपाल की जो विशेषताएँ हैं, जो घूमने वाली जगह हैं, उस जगह को मैं आपको दिखाता हूँ और एंजॉय कराता हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी मिलते हैं नेपाल यानी कि काठमांडू में। काठमांडू के जो भी मशहूर प्लेसेस हैं वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। सो जब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार एंड